बोल बोल पहले बोल पहले बोल फिर छोड़ते। हाँ जो पूछे उसका जवाब दे। शमशान से आया कब्रिस्तान से आया? मैं बहुत ज्यादा से बहुत बचा बहुत बचा मैं बहुत बचा। आज तक किसके पकड़ में नहीं आया था तू? आज तक किसके पकड़ में नहीं आया था तू? नहीं ली जान देता है, नहीं ली जान देता है। बाप का राज चल रहा है तेरे। आज तक किसके पकड़ में नहीं आया था? आज तक कोई इलाज वाले के पकड़ में नहीं आया? हाँ सब कुछ चक में दिया आज तक। हाँ यहाँ कैसे पकड़े तुझे? देखा ना यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है। यहाँ पूरा तुझे मार मार के कमजोर करके भस्म कर देंगे तुझे कमबख्त। हाँ हाँ जोर से बोल। हाँ ना यहाँ पकड़ में, यहाँ अल्लाह वालों का डर है, यहाँ के डर से कोई बच नहीं सकता। तीसरी चक्कर में लाया ना तुझे पकड़ के? कितनी चक्कर में पकड़े तेरे को? पहली चक्कर में झुंझुना डाले तेरे ऊपर। अच्छा तू शमशान से लाए थे तुझे के कब्रिस्तान से लाए थे पकड़ को? किधर से लाए थे? जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास, तू पूरा जला दूंगा। हाँ कहाँ से पकड़ के लाए थे? कहाँ से? शमशान से कब्रिस्तान से? कहाँ से? कहाँ से? बोल बोल बोल। शमशान कब्रिस्तान? जोर से बोल, जोर से बोल। हाँ क्या था वो? कहाँ से जादू करे थे? शमशान से या कब्रिस्तान से? वहीदा भी का वहीदा का क्या लेके गए थे? शर्ट कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे जादू चला दो? उसके अंदर के तेज रहे। अच्छा उसके अंदर के तेज लेके गए थे। कितना टाइम का लिया? कितना वक्त लगा जाके? कौन ले गई थी वो औरत? की आदमी था कौन था वो? अच्छा कहाँ के वो? उसके ससुराल के। अच्छा के ससुराल के इसके। क्या तो नाम आते हैं उनके? ससुराल के थे। क्या नाम है उनके? क्या नाम है उनके? हाँ क्या नाम है? गुलनाज। हाँ गुलनाज। और उसका उसका वो नंदे है। अच्छा वो साथ में दोनों मिलके उसके मरद को।
देखो ना यहाँ की पकड़ कैसी है तो अल्लाह के कलाम की, यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। हाँ दूसरे जगह पे बहुत जगह बच गया तो नया नहीं बच नहीं सकता। कोई नहीं है नालायक को, तुम्हारे बाप का रात चल रहा है तो लोगों के जान ले रहे परेशान करके, लाओ उसके अंदर आग लगाओ। अल्लाहुम्मा देखिए अल्लाह के कलाम की ताकत। करेंगे दोबारा परेशान और बातों का उसके पेट में दर्द करूंगा, उसके पेट में हो रहा है सारी तकलीफ बाहर निकाल देना, सारी पेट में बैठ के तकलीफ दे रहा था, पेट में बैठ के तकलीफ जकड़ लो ये नाला जकड़ लो। कौन करे तो जादू दोनों का नाम बोल, एक बार नाम बोल। आज के बाद परेशान नहीं करेगा, करेगा परेशान नहीं करता। चल दवा दवा कर, जल्दी दवा कर, दोनों हाथ मुंह में मार के दवा कर, तो काट के वजन कर दूंगा। हाँ दवा दवा कर, बोल जल्दी जोर से दवा दवा बोल। करेगा परेशान नहीं छोड़ना, ऐसी मार पड़ती फिर नहीं छोड़ता तो इसी मार पड़ती, बहुत मार पड़ती, बहुत बहुत मार पड़ती, छोड़ दे जल्दी कराऊंगा। हाँ जल्दी बोल तो दवा बोलना, आज के बाद मैं कोई इंसान को परेशान नहीं करूंगा, आज के बाद तू मेरे पास गुलाम हो जाएगा। कहाँ गुलाम हो जाएगा, मेरे पास में मेरा गुलाम बन करेगा। जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे बुरा बोलेंगे उनके पेटों में दर्द करेगा, उनके पेटों में क्या आंसर करेगा, तो जिसके पेट में कसा वापिस ले जा निकाल के, समझ गया? सुने आ रहा नहीं आ रहा तुझे, जला दूं तेरे वहां था, जलाऊं उसके अंदर कुत्ते जैसा, जलाऊं जलाऊं हां जवान से बोल। जल्दी बोले ना, इज्जत से छोड़ के जाना पड़ता, चला जल्दी। हाँ चल जल्दी, जा रहा के नहीं जा रहा, जा रहा के नहीं जा रहा, भागा अब्दुल्ला नहीं, पैसे लेके भागा, कहाँ भागा वो, कौन
भगाया वो अब्दुल्ला को पैसे लेके? हमारी जवाब मैं हर बार झूठ बोल कर हर बार निकल जाता था मैं हर बार झूठ बोल कर निकल जाता मैं यहाँ फंसा पड़ गया ना यहाँ से पड़ गया भाई देखा ना यहाँ से पड़ गया हर बार झूठ बोल बोल के भाग जाता था इलाज वाले साहब लोगों को चक्कर में देकर भाग जाता था छोटे मोटे साहबों को लेकिन फिर यहाँ देखा ना यहाँ बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह के कलाम की ताकत है यहाँ से कोई बच के नहीं भाग सकता तेरे बड़े बड़े बादशाह नहीं भाग सकते तेरी क्या औकात है इनके किसके पैसे लेके भागा हमारे पैसे अब्दुल्ला लेके भागा किसके हमारे हमारे बोल तो कौन वहीदा बानो के पैसे अब्दुल्ला लेके गया कौन भगाया उसको उसको कौन भी नहीं भगाया उसको उन्हें कंगाल हो गया था वो भाग गया किधर भागा सो किधर गया पता नहीं मालूम नहीं भाग गया मालूम नहीं देने वाला है ना देने वाला इरादा उसको वापिस वो आया तो देता उन्हें उसे आया तो देता उसे आया तो देता उन्हें आए तो तू जाता तो पूरा मर के बसम हो जाता बोल तेरा नाम क्या था तू मरे वाले इंसान की नस्ल से जिन्नात की है जिन्नात की इंसान मरे वाला मरे इंसान की नस्ल से ठीक है चल एक मौका दे हाँ एक मौका दे रहा हूँ चल तोबा कर जल्दी मुंह मार के तोबा करके निकल मेरे सामने दिखना ने कमीने बाटली में डाल के तुझे जमीन में गाड़ दूंगा कयामत तक के वास्ते जिन्नात की नस्ल से है क्या खबीस की नस्ल से है सेकंड राउंड में हुआ खुलासा कौन करे सो क्या करे जादू टोना मेरे जबानी तो नहीं बोला मैं सामने उसकी जबानी पूछा दिया कौन करे क्या करे कब मारने वाला सारी दास्तानों में बयान कर दिया सुन लो मिन्हा खलकनकुम फिहा नुइदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा बोल के खबर में जो पट्टी डालते तो उससे साथ हमजा दब जाते और जादूगर जो रहता तो वो क्या करता ये हमजा को पकड़ता अमल अमलियात के थिरो और फिर क्या करता अमल अमलियात के जरिए पकड़ के उसके थिरो ये सामने छोड़ के परेशान करते क्योंकि मरने वाले की तो वो जो रहती वो तो फरिश्ते कब्ज करके लेके चले जाते अल्लाह के हवाले हो गई सुपुर्द हो गई मगर जो शैतानी वसवसे वाला जो हमजा करता वो उसके थिरो ये सब काम चलाते और वो जो भी बातें उन्होंने बयान किया जो दास्तान बयान किया मैंने सामने लाइव में सेकंड राउंड में सब कुछ आ गया पहली बार आए उन्होंने नाम नहीं आया थे नहीं आंख पे दूसरी बार नहीं तीसरी बार मैंने खुलासा करा के दिया इस वास्ते करा के दिया कि बस जिसके भी नाम निकले उनसे शतर करो होशियार रहो उनसे ताल्लुकात मत रखो वैसे लोगों से ताल्लुकात रख के क्या मतलब का जो तुम्हारे अस्तीन के सांप बन के तुम्हारे ढसने को आ रहे और तुम नालायक हो उनको अस्तीन के सांप बोल के पाले वैसा पाल के रख रहे उनको हमारे बच्चों को लोगों से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखना क्योंकि सांप को तुम कितना भी पालो कुछ भी करो कितना भी दूध पिलाओ खून भी पिलाओ लास्ट में उसकी फितरत है डसना तो बरोबर डसता हाँ कौन कौन उसका नंदी क्या उसका नंदी मुझे नजर लग गया था देखते देखते जादू कर रहे और अच्छा देखना नहीं चाहते थे उससे बहुत जलते थे उन्हें खुद जादू करता उन्हें खुद जादू करता खत्म कर देंगे जकड़ लो उसको जादूगर का भी जादू और सब खत्म कराओ और इसको मार मार के खत्म करो ये नालायक को इसकी सारी दवाई से पेट में जकड़ के बाहर निकाल के फेंक दो पेट में मुकाम करके अब निकल जाना पड़ेगा तोबा तोबा करके अब ना तोबा तोबा करके निकलना पड़ेगा अगर नहीं निकलेगा तो पूरा जला दूंगा पूरा जलाऊं तेजी से कर दूं पूरा खत्म बटल लगे
चल जल्दी निकाल जा रहा क्या नहीं जा मौका दिए तुझे भाग जा आजाद कर रहे तुझे उसके अंदर से उनकी गुलाब में गुलाम बना लियो पेट में से निकालो पेट में से निकालो पेट में से निकालो चलो इसको उल्टी गुलाब लगा के सारी इसकी दवा बाहर निकाल दो तेज के साथ में और इसको गुलाम बना के मेरे पास में ले लो इसको बाहर काम लगाओ सुन रहे नालायक तेरा काम ही रहेगा जो भी लोग आएंगे बुरा सोचेंगे बुरा करने का सोचेंगे क्या भी हरकत करेंगे मेरे खिलाफ में तो फौरी उनके पेट में जैसा इसको तकलीफ दे रहा वैसी उनको तकलीफ देगा तू जाके ये तेरे पे फर्ज है आज के बाद समझ गया अब जा लोगों के दिमाग पढ़ते बैठ बाहर हाँपते रहे किसके दिमाग में बुराई चल रही मेरे खिलाफ जो भी मेरे खिलाफ सोच रहा उसको दुनिया में फिर जीने का हक नहीं क्योंकि वो अच्छा करने वालों के रास्ते में जो कांटे डालेंगे तो वैसे कांटे डालने वाले बदमाश लोगों को दुनिया में जीने का हक नहीं है जा जो ड्यूटी दी है वो काम कर पानी पियो ये जो मसले मसाइला चलते ये जो दास्ताने हैं क्या बयान करूं मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में बता दिया उनके पेट में तकलीफ होती थी उनके सर में तकलीफ होती थी उनके घर में किरकिरियां हो रहे थे खास करके बीबी शोहर को ज्यादा लड़ रही थी मगर समझ में नहीं आ रहा था क्या मसला चल रहा मसला ये था वो देख लिए दास्तान फिर शोहर को परेशान कर दिए फिर फोन करे सो क्या करे क्या दास्तान है मैंने सारी दास्तान नामों के साथ में बयान करने लगा दिया और मैं तू तो पता ही नहीं किसके नामा निकलते और क्या होता और पेशेंट को तो कुछ याद रहता नहीं कौन है तो शैतान बरोबर तुम्हारा नाम लेता तुमने अगर जादू करे तो उन्हें पड़ोसी का नाम क्यों नहीं लेता दूसरे का क्यों नहीं लेता फलाने का क्यों नहीं लेता नहीं लेता उन्हें जैसा छोटे बच्चा रहता सेम छोटे बच्चे को खींच के एक मारो तो उन्हें उसकी अम्मा का नाम लेके रोता अम्मा बोल के जाता नहीं तो अब्बा बोल के जाता तो वैसे शैतान को जब पकड़ के मारे ना तो उन्हें भी तुम्हारा नाम लेता तुमने अगर आग में डाल तो बचाओ बचाओ बोलता कान ला के फंसा दिए तुमने तो ऐसा तो बरोबर तुम्हारे नाम लेता हूँ बरोबर उसको सब मालूम रहती दास्तान और उन्होंने आज तक बहुत सारे जगहों पर चकमे दिया बोल रहा था उन्हें वीडियो के अंदर सुनो तो मैंने हरी इलाज वाले को चकमे देकर भाग गया इन्हों इलाज वालों को घुमा दिया मगर यहाँ नहीं घुमा सकते क्योंकि यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है और कलाम इलाही के आगे तो कोई नहीं है और अल्लाह हर चीज पे कादिर है इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर अल्लाह हर चीज पे कादिर है और जानदार पे भी हुकूमत करता बेजान पे भी हुकूमत करता और लोगों तुम्हारे को आज नहीं तो कल मरना है कुल्लुन नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत दुनिया के अंदर कोई लामहदूद रहने के लिए नहीं आया आज नहीं तो कर सबको जाना है तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दोस्त अहबाब कफनों में लपट के चले गए कब्रस्तानों में कफनों में लपट के चले गए चिताओं पे लेटने के लिए एक बात याद रखना कफन में जेब नहीं है और खबर में तिजोरी नहीं है तो ये दुनिया के वास्ते तुम ऐसे हरकतें करके एक दूसरे के जाना लेके जादू टोने करके दौलत ऐसे करके कमा रहे और दूसरों के भी दौलतों का ऐसा करके बर्बाद कर रहे तो तुम ये कहाँ जाके भरेंगे कहाँ जाके भुगतना पड़ेगा जरा समझ रहे जरा कल तुम लोगों को तुम शैतान मर्दूत के साथ शुमार कर दिया जाएगा उसके साथ तुमको उठाया जाएगा फिर तुम क्या खबर में जवाब देंगे अल्लाह के सामने जब देंगे तुम्हारे सवाल जवाब होंगे हशर का मैदान तो लगने वाला है और हशर के मैदान में तो पत्थर की लकीर है हशर का मैदान और भरने वाला है और हशर क्या है हशर तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है उनका मर्तबा है उनका रुतबा है हशर के अंदर अल्लाह तुम सबको बताने वाला है
दुनिया वालों कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या शान अल्लाह ने रखा, क्या मर्तबा उनका रखा, कितना बुलंद फरमाया। वो हशर के अंदर तुम रेंगते हुए तड़पते हुए जब तुम आलम तुम्हारा हशर के अंदर चलेगा और जब तुम टिकेंगे दर बदर, जब तुमको पता चलेगा कि क्या रुतबात अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखा था, सारे पैगम्बरों को, सारे वलियों को, सारे खुतुमों को, सारे अब्दालों को, उस दौर के भी अब्दालों को जो दूसरे नबियों के दौरों में भी थे, वो जितने भी 124,000 अंबिया अल्लाह ने भेजा था और उनकी उम्मतें, उन सबको बताएगा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान अल्लाह ने रखा, उनके सदके तुफैल ने कैसा सबको बख्शेगा। और हश्र मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उनका रुतबात है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वन्हर व इन्ना शानिका हुवल अबतर। देखो हौज़े कौसर का कैसा जाम अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, ये सब तुम आपको बात उनके बताएंगा। और तुम अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो तुम महरूम हो जाएंगे नबी की ज़ियारत से, महरूम हो जाएंगे नबी के हाथ से जाम कौसर पीने से, ये सब चीजों से तुम महरूम कर दिया जाएगा। और तुम जब महरूम हो जाएंगे ये सब बातों से तो तुम यकीनन शैतान के हकदार, शैतान के साथी और जहन्नुम के हकदार बन जाएंगे। तुम शैतान के साथ मिलकर फिर तुम्हारी टीम जाएगी जहन्नुम में। इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। शैतान और बलाएं इंसानों समझो उन तुम्हारा को इबादत करने नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ने देते, कुरान नहीं पढ़ने देते, इबादत की राहत से भटकाते, नजदीक तो घबराहट होती, बेचैन होती। तो समझ जाना तुम्हारे पे किसी ने कुछ करा और कोई हरकत है, कोई निगेटिव ताकत है जो तुम्हारा पॉजिटिव ताकत की इबादत करने अल्लाह की नहीं जाने दे रही। इसलिए बेहतर है कि पहले से इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो ताकि तुम पे कोई जादू चलाने से पहले ही तुम पे जादू हट जाता, और चल जाने के बाद तुम नमाज पढ़ने गए तो फिर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा तुम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं तुमको ये सब बातें इसलिए बताता हूँ बार बार कि मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मगर मेरे को अल्लाह ने ये सब बातें बताया, मेरे पर इल्म के राज खोला, तो मुझ पर वाजिब है तुमको बताना। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा तुम्हारा, कहाँ जाएंगे तुम? डुप्लीकेट चोरा दलाला बदमाशा जगह जगह बैठे आले उल्लू बना के पैसे लेके खा लेते। कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से और कोई जुल्फे बढ़ा लेने से इलाज वाला नहीं बन जाता, और कोई बाल क्या बोलते टोपी पहन लेने से मुसलमान नहीं बनता, और तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता। इस सबके अंदर एक अपनी अपनी खासियत होती है, उस खासियत के मुताबिक रहते हैं। डुप्लीकेट और चोर तो बहुत सारे जगह जगह भरे आले हैं जो तुम्हारे उल्लू बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे, और ज्यादा तुम्हारे तबाही बर्बादी को लगा के गर्क करके हलाक कर देते हैं। इसलिए उन सबसे बचो, इबादत की राह को मजबूती से थामो, अल्लाह वालों के सोबत में बैठो, अल्लाह वालों के पास जाओ। बुजुर्गान दीन के पास जाके बैठना एक लम्हा 60 साल की इबादत के बराबर हदीसों में आता है, पढ़ लो, अल्लाह ने भी बता दिया, पढ़ लो। और गुनहगार और जादूगर के पास जाके बैठेंगे तो उसका उलट भी तो पकड़ो, एक महीना एक लम्हा फिर तुम्हारी 60 साल की इबादत को भी रद्द कर देता। तो ये बहुत सारे बातें हैं, इस्लाम पे चलना बाल से बारीक तलवार से तेज, इस वास्ते के बारीक बारीक बातों की वजह से। इस पे तो अमल करो ना तो फिर तुम्हारा सब जाया हो जाएंगी ना इबादतें, नमाजें, रोजे, ज़कातें, हज, तुम्हारे अगर तुमको उसका सवाब नहीं मिला, जाया कर दिया गया और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे नमाज फेंक के मार दी गई तो फिर क्या करेंगे तुम, कहाँ जाएंगे? और नबी इससे शफाअत की उम्मीद नहीं रख सकते तुम अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, फिर अल्लाह उसके हबीब तक तुम्हारा जाने ही नहीं देता ना, गुनाहगार बंदे है तुम तो। इसलिए बहुत इबादत करो और नबी पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा सलाम और दरूद पढ़ा करो, लोगों सलाम और दरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, ताकि तुम सलाम और दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो तुम्हारी उम्र दराज कर देता अल्लाह। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे। बेंगलुरु।